ये आपकी खड़ी पैनी लगी हुई है और ये पतली पैनी लगी हुई है। रे मैं तो आपको बस नीचे से थोड़ा सा ऐसे करना जो होगी अलग हो गई उसे निकाल। अच्छा ये ऐसे ही निकली आएगी, ऐसे ही उठाएंगे ना तो इसका रूट सिस्टम जड़ एकदम झगड़ा जड़ टाइप की होती, पूरी जकड़े हुए होती। अरे इतनी सी तो होती है उनमें किसी चीज है, जैसी जरा सा सूखता वैसी इतना जगह लेती है गेहूं की वैरायटियों के नई नई प्रजातियों के प्रदर्शन लगा रखे हैं। तो इसमें 7 वैरायटी ऐसी हैं जो टाइम से बोने वाली हैं, मतलब टाइम से का मतलब ये है कि करीब करीब आपका 10 नवंबर से और 25 नवंबर तक, यही है ना। और फिर हमारी जो है जो देर से बोनी वाली वैरायटी जो कि 25 नवंबर के बाद जो है जो बोई जाती हैं वो देर से हुआई, और इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 10 दिसंबर तक हो सकते है ना। तो एक ग्रुप समय से बोने वाला 10 नवंबर से 25 नवंबर तक, और देर से बुवाई वाला 25 नवंबर। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल साहब अगर 25 नवंबर पे दूसरी वैरायटी तो अब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप दिसंबर मतलब नवंबर के लास्ट तक बो लेते हैं, पर जो लेट से लेट वाली वैरायटी हैं वो लेट में अगर हो जाते हैं तो लेट वाली वैरायटी बोएंगे तो उससे ज़्यादा आपकी पैदा 88 वैरायटी DBW 187। तीनों वैरायटियों को देख लीजिए आप, टॉप की ग्रोथ और टॉप की टिलरी कल्ले समझे। और चौथी वैरायटी आपकी 2967 निकली जो आपकी पुरानी, हालांकि इस वैरायटी में बड़ी अच्छी पैदावार दी, बड़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है, पर इसमें समस्या ये आ गई है कि इसमें दाना काला पड़ जा रहा है, बीमारी आ जा रही है इसमें दाने पे जो है। और उससे क्या हो रहा कि आपका जो आप बाजार में ले जाते हैं तो आपको रेट सही नहीं देगा। मेरा नाम है भूरे सिंह सर, कहाँ से आए? रजपुरा ब्लॉक है जी जी, तुमरिया खादर गांव में, तहसील जिला समूह। जैसा है कि आप बता रहे, आप जैसे हमारे इस प्रशिक्षण फार्म पे आके आपने जो भी जानकारी ली वो आपको जो भी विधियाँ दिखाई गई खेती के बारे में, उनसे आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जो विधियाँ दिखाई गई, डिफरेंट तरह की क्रापे हैं हमारी, जो फसलें हैं उनको एक साथ कैसे हम कर सकते हैं, उससे आपको क्या लगा कि नहीं ऐसा हमें करना चाहिए? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए जी। तो आप इससे मतलब कि मोटिवेट होंगे और आप दूसरों को भी इसके प्रति खूब बताएंगे खूब जो भी सामग्री। और यहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षक थे उनके बारे में आपका क्या कहना है, उन्होंने आपको किस प्रकार से जानकारी दी? बहुत अच्छी विधि बताई उन्होंने जी, ऐसे में बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जी। ऐसे में हम यही सोचेंगे कि अपने बच्चों को अपने गांव वालों को जाकर के उस विधि को बताएं तो आगे को मतलब ऐसे करें और जैविक खेती करें। जैविक खेती करने में ही फायदा है, क्यों? जैविक खेती से एक तो हमारी आमदनी तो बढ़ेगी मगर यो बाजार वाली जो है खरीद फरोख्त है वो खाद वगैरह वो मतलब घट जाएंगी, लागत आपकी कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, आपका जो उत्पादन बढ़ जाएगा और इनकम आपकी बढ़ जाएगी। मेरा अनुमान ये है कि जैसे रासायनिक वाली जो है का 5 क्विंटल या 6 क्विंटल वाली हैं, अगर हम जैविक खेती करें सरकार के उससे और सर के बताने से तो वो कम तो होगी मगर उसके रेट जो मिलेंगे उससे हमारी लागत अच्छी बढ़ जाएगी। मेरा नाम नरोत्तम सिंह यादव, ग्राम सिंगोली पूर्वी, विकास खंड रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जिला संभाग करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक किसान के रूप में आए हुए हैं और हमारे कृषि प्रक्षेत्र का भ्रमण किए हैं जी जी, तो इस भ्रमण में आने के बाद आपको कैसा लगा, जो हमारे यहाँ तरीके दिखाए गए हैं खेती के उनसे आपका क्या अनुभव रहा? यहाँ का सब खेती का माहौल देखा हमने तो सबसे पहले तो हमें यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध मालूम पड़ा जी। और जब खेती हमने हर तरह की खेती देखी है यहाँ पर जो गैप दे करके खेती की जा रही है उसमें हम एक साल में कई फसलें ले सकते हैं जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। और जैविक खेती हम करें यहाँ की, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने प्रशिक्षण दिया है उससे हमारी
थोड़ा प्रोडक्शन तो कम होगा लेकिन हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे आगामी पीढ़ी जो आएगी उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। और हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पर हमें प्रशिक्षण दिया है, हम माननीय डॉक्टर साहब के प्रशिक्षण से बहुत ही खुश हैं। और यहाँ की जो गेहूँ की हर तरह की सब्जियों की जो भी फसल हम देख रहे हैं उससे हम बहुत खुश हैं। और हम अपने यहाँ जा कर के इसी आधार पर खेती की पद्धति को बदलेंगे और अपने गांव के किसान भाइयों को भी प्रशिक्षित करेंगे कि हम फलां जगह गए और अगली बार यदि हमें यहाँ बुलाया जाएगा तो हम अपने साथ दो चार किसानों को और भी लेके आएंगे।